गाइस वर्कशॉप का। सो आप लोग है ना, तो यहाँ बंदा चार और अभी इसमें चपत्ती कम था तो मरीच वगैरह मैं डाल दी हूँ। बाकी अभी इसमें कलर आ रहा है बहुत चपत्ती डालने के बाद, आप देख रहे हैं, लेकिन कलर बहुत अच्छा आया है और अभी का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। किचन में बन रहा है आलू पटल की भुजिया और रोटी। हाँ, बन रहा है आलू पटल। ओ राज आ गए हैं ये, मुझे रात में पता चला जब मैं डिनर कर रही थी तो वो अचानक आके सरप्राइज दी, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो अभी नाश्ता का टाइम हो गया था, बच्चा लोग अभी स्कूल जा रहा था तो नाश्ता वगैरह हम लोग दे दिए और अभी जा रहे हैं मम्मी के पास। देखते मम्मी क्या कर रही है। तो रात सो रहे हैं इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गर्मी से पूरा परेशान थी, पता है क्या ये वो फैन जब चलता है ना तो जो उसका आवाज़ करता है उनको उससे बहुत नफरत है, कान के पास तकिए लगा के सोते हैं और उनका बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। मतलब ये तो रियल है कि उनका बॉडी पेन होता ही होता है बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कब तक वो सो के उठते हैं, क्योंकि आज गर्मी से पूरा परेशान थे तो आज सुबह में वो मतलब 4:30-5:30 बजे वो सोए हैं, रात भर जगे हैं, बोल रहे थे घबराहट हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। और मैं तो सो रही थी, मैं बोली कि यार मैम मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि मुझे सुबह उठना है। तभी हो गया शाम का टाइम और चाय वगैरह मैंने बना दिया है। चाय भूजा था थोड़ा सा और कुछ नमकीन था तो वो अभी देख के आए। और यहाँ पे आज हमारे घर आई हैं बुआ जी। तो पहले तो हम शादी वाले दिन बुआ जी आई थी तो इसलिए हमको उतना ध्यान नहीं था, लेकिन अभी बुआ जी को देखे, बुआ जी कैसा लग रहा है यहाँ पे, बहुत दिन के बाद आई हैं। मतलब मेरा शादी हो गया अब 2.5 साल बाद आई हैं अपने अपने मायके, बुआ जी। तो ये बुआ जी का मायका है, मम्मी की सबसे बड़ी ननद मतलब दीदी लगेंगी ना बुआ जी। हाँ, तो अभी बुआ जी को नाश्ता दिए हैं भुजिया और चाय मिठाई। तो भुजिया अभी खा रही है बुआ जी, बाकी अब मम्मी भी उधर बैठी हुई है, अभी मम्मी को भी चाय वगैरह दिए हैं, बाकी और बच्चा लोग पढ़ रहा है। यहाँ पे मिस्टर राज अभी आज गेम खेल रहे हैं लग रहा है, जैसे कि अब पता नहीं, वैसे कल तो नहीं खेले, परसों नहीं खेले, लेकिन आज खेल रहे हैं। तभी शाम का टाइम हो गया है, बाकी बहुत सारा हम लोग कपड़े वगैरह देख रहे थे मैं और मम्मी, क्योंकि थोड़ा सा नाइट में पहनने के लिए मम्मी अभी कपड़े पापा जी खरीद के लाए हुए थे तो वही अभी मैं लेके आई। बाकी अभी मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में मैं बनाने वाली हूँ आज पनीर का सब्जी, पनीर का ग्रेवी वाला सब्जी मुझे बनाना है, तो चलिए चलते हैं बनाते हैं पहले। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और ये जो प्याज है वो बॉयल करके बन रहा है। तो बॉयल करके एक ही फायदा होता है कि ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जलने का भी चांस नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल हो चुका होता है तो काफ़ी जल्दी जल्दी सब्जी बन जाता है। वैसे तो हम कभी बॉयल करके नहीं बनाते थे, लेकिन ये दूसरी बार है जिसमें बॉयल करके बना रहे हैं। और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, उसके बाद प्याज को इसमें डाल दिए, जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पर मसाला भी पिसा गया है। मसाले में आप सभी को पता है क्या क्या है, जैसे मसाले में जीरा, मरीच, लाल मिर्चा और लहसुन, और इसमें हल्दी भी डला गया है, गरम मसाला भी डला गया है और लाइट था तो अभी पिसा भी गया है। बाकी अभी आटा भी सना गया है, सब्जी बनने वाला है, यहाँ पनीर भी फ्राई होगा। और ये जो पनीर है वो घर का पनीर है, जैसे कि दूध था तो रात में लाइट कट गया था तो इसको फ्रीज में हमने दूध रख दिए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये जो दूध था लाइट के गाइस इतनी गर्मी में मनीषा आके ब्लॉगिंग कर रही है, प्लीज वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पनीर का सब्जी टेस्टी में अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं, हम पनीर का सब्जी बहुत अच्छा बनाते हैं, मम्मी को पापा को सबसे पसंद आता है। तो अभी हम पनीर का सब्जी बना रहे हैं, हम बोल रही क्या बोल रहे हैं, भूल ही गए ये आके मेरे को बोल बोल पड़वा दिए। जाइए तो बर्तन वगैरह धो लिए, तो बारिश होने के बाद भी इतना ज़्यादा गर्मी है एंड अब प्याज गल गया है, इसमें मसाला डाल देते हैं ताकि मसाला भी भुजा के रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम प्याज पूरा गल गया है, अब इसमें भी डाल देते हैं मसाला। तो
इसमें मसाला सब कुछ डाल दिए हैं और नमक हल्दी दोनों डाल दिए, तक भी जाते रहे, टमाटर भी डाल देते हैं, सब भी जाते रहे। तो देखते हैं मसाला भी हुआ है कि नहीं। तभी यहाँ पे मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो देख रहे इसको खूब अभी भू जाएगा तब जाए। बाकी प्याज पूरा गल रहा है, देख रहे हैं। रोटी बना रही है, पक हम सब्जी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा छौंक भी लग रहा है, तब जा रहे हैं रूम में। बाकी ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मिस्टर राज भी है, देख रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये मसाला सूख गया, तेल भी छोड़ने लगा है, लेकिन अभी भी और अभी भूल जाएगा, क्योंकि जितना अच्छे से भुजा जाएगा उतना अच्छा टेस्टी भी लगेगा। मसाला भुजा है तो चलते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप लोग, मसाला पूरा तेल छोड़ दिया है और इसको काफ़ी टाइम से भूज रहे हैं हम। फिर अब इसमें हम डालने वाले हैं ये पनीर। अभी ये डाल देना, भुजा गया है ना। हाँ, गर्मी होने के बाद इतना ज़्यादा, इतना बारिश होने के बाद इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, क्या बताएं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे पनीर को डाल के पनीर को भूज रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो नमक है वो चला जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने देखा इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद जैसे ढका देंगे तो पनीर का रेसिपी बन के हो जाएगा तैयार। और आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। हाँ, अब इसमें पानी डाल दिए पनीर की सब्ज़ी में, और ये थोड़ा सा ढक के दो, उसके बाद से उतार देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डाले क्योंकि रात का टाइम है, ऐसे ज़्यादा दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। देख रहे पनीर का सब्ज़ी जो है वो डबक रहा है, और ये थोड़ी देर में बनने वाला है। बहुत ही ज़्यादा वैसे टेस्टी दिख रहा है, आप लोग नज़दीक से देख सकते हैं। पूरा प्याज व्याज जो होता है ना वो पूरा गल गया है। और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था आलू बैंगन का सब्ज़ी, ये चोखा है, चावल भी बचा हुआ है, और ये जो बना था वो भी है। देख तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सब मैंने डाल दिया है, और ये अभी पूरा हो गया है रेसिपी बन के तैयार। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जरूर बताइए कि ये पनीर का सब्जी कैसा बना है कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।